रायपुर में एक इंटरटेनमेंट फर्म को 1.25 करोड़ रुपए की चपत पार्टनर द्वारा लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल 1.5 करोड़ की देनदारी से बचने के लिए पार्टनर ने फर्म के नाम से फर्जी एफिडेविट दस्तावेज तैयार कर एक्सिस बैंक देवेंद्र नगर शाखा में फर्म के नाम से खाता खुलवाया, फिर चेक में फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे भुनवा लिए। फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होने पर कारोबारी ने आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 400 BC का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जयस्थम चौक रजनाथ गांव निवासी विकास बोहरा ने 10 अक्टूबर 2015 को राज टावर तत्यापर चौक पर ईओसो एंटरटेनमेंट नाम से फर्म का गठन कर विनय जैन को पार्टनर बनाया था। यह फर्म सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, फूड, कैंटीन, गेमिंग जोन आदि सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। आरोप है कि विजय जैन ने बिना विकास को जानकारी दिए नोटरी चैतन्य कुमार दानी के साथ मिलकर एक आवेदन 14 अक्टूबर 2015 को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के नाम से फर्जी एक्टिवेट व दस्तावेज पेश किया। इन दस्तावेजों से एक्सिस बैंक देवेंद्र नगर शाखा के अधिकारियों से साठ गांठ कर फर्म से संबंधित चालू खाता भी खुलवाया। चूंकि फर्म के बैंक के लेन देन का अधिकार विनय जैन ने अपने पास रखा था, फर्म में कई लोगों ने 1.25 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा था जिस पर विनय जैन की नजर थी। धीरे धीरे विनय ने फर्म के खाते में जमा 1.25 करोड़ रुपए का चेक में फर्जी हस्ताक्षर कर उसे भुनवा कर अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर हजम कर लिया। जब निवेशककर्ताओं ने पैसे का भुगतान विकास से मांगा तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। विकास के मुताबिक उसके SBI के निजी खाते में जमा पैसे को चेक में फर्जी हस्ताक्षर करके विनय ने 6 अक्टूबर 2016 को 15 लाख 25 जुलाई 2017 को 32 लाख रुपए निकाल कर हजम कर लिया। उस समय मैसेज सर्विस नहीं होने के कारण विकास इस घोटाले से अनजान रहा। विनय जैन ने बड़ी चालाकी से बड़ी रकम की हेराफेरी फर्म से पार्टनरशिप खत्म करने से पहले ही कर ली। उसने रकम का उपयोग अपने निजी कार्यों के साथ रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया। विकास बोहरा ने पुलिस को जानकारी दी कि विनय जैन ने अंकित चोपड़ा, आरिफ फैशन, देवेश कुमार ठक्कर, केबी सेल्स एवं सर्विस, ओटिस एल्टीवेटर कंपनी प्राली, अशोक इलेक्ट्रिकल, विशाल कंकारिया, कुमार इलेक्ट्रिकल एंड मिल स्टोर्स, रियल बाइट, अमर प्रस्थान, आशापुरा फाइनेंस, कुल इंडिया इंटरप्राइज, GP डाटा सिस्टम लिमिटेड, सिमी इलेक्ट्रॉनिक्स, अरहिंत इलेक्ट्रॉनिक एंड रिप्रेजेंटेशन कंपनी, सम्मान सिनेमा के खाते में लाखों रुपए बिना किसी देनदारी व सेवा प्राप्ति के ट्रांसफर करा दिए। यही नहीं, उसने कई अन्य कंपनी भी बना ली। फर्म से पार्टनरशिप खत्म करके 28 जुलाई 2017 को एक डिसोल्यूशन डेट बनाया गया जिसमें विनय के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटर रचित दस्तावेज तैयार किया गया। विकास बोहरा की शिकायत पर पुलिस ने जांच के घेरे में एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ फर्जी एफिडेविट बनाने वाले नोटरी चैतन्य कुमार दानी को जांच के घेरे में लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।